Sorry guys, I apologize. जो थोड़ा सा दे 10% काम हो गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मुरीन और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से और बहुत ही मजे में होंगे। तो जैसा कि आपने कल के व्लॉग में देखा, मैं हूं सकलांग के घर, मासी के घर पे, और आज हमने सोचा एक फूड व्लॉग बनाए, क्यों ना एक ज़बरदस्त फूड व्लॉग बनाया जाए जिसमें आप लोगों को भी हम सिखाए कि चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा कैसे बनाते हैं। तो हमारे साथ जो शेफ़ है वो होंगे ऑब्वियसली हमारे शेफ़ साहब सकलांग, शेख सकलांग। सकलांग क्या बनाने वाले हैं आज? हम बनाएंगे आज चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा। ओके, सो आज आपने सुना होगा चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा और कैसे बनाते हैं वो सब आपको मैं दिखाऊंगा। और सकलांग का पिज़्ज़ा बहुत ज़बरदस्त होता है, एक बार हमने लाइव में भी पिज़्ज़ा बनाया था, तो इस बार हम फिर से पिज़्ज़ा बनाएंगे और बहुत मज़ा आएगा। और अभी हम जा रहे हैं चीज़ें लाने, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो चीज़ें क्या क्या सकलांग? एक लाना है हमें मैदा, और लाना है यीस्ट, और लाना है मोज़रेला चीज़, ओके, और लाना है हमें और क्या लाना है, बस काफ़ी है इतना ही लगभग। और सब्ज़ी लानी है। और जी सब्ज़ी लानी है, आपने सुना होगा, तो अभी वही लाने जाते हैं। इसका जो व्लॉग है बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि हम बहुत सारे सिनेमैटिक शॉट्स इसमें ऐड करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में। और अगर आप भी घर पे चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो बी रेडी फॉर दैट। और चलो सफ़र अपना स्टार्ट करते हैं और आज का स्पेशल व्लॉग स्टार्ट करते हैं। एक साल बहुत चला सब। तो जी हम पहुंच गए ट्रीट्स और यहाँ से हम लाएंगे अपना सामान, हमें क्या क्या लाना है अपने पिज़्ज़ा के लिए वो लाएंगे। तो चले हम चलते हैं ट्रीट्स। क्या लेना है पहले? हम जी घुस गए ट्रीट्स और सामान उठाएंगे अब, डाल ले भाई। यहाँ पे मज़ा एक चीज़ आ रहा है घूमने में, मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे रशीद हाफिज़ का बहुत खूबसूरत गाना चल रहा है और एक हिसाब से कश्मीरी प्रमोट हो रही है, क्योंकि हम देखते हैं जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं श्रीनगर में वहाँ पे क्या हो रहा होता है ना कि वो वाले अमेरिकन इंग्लिश सॉन्ग्स चल रहे होते हैं। बाकी आज मैंने पहली बार देखा कि एक डिपार्टमेंट स्टोर में कश्मीरी रशीद हाफिज़ का प्योर कश्मीरी गाना चल रहा है, तो खूबसूरत वाइब्स आ रही है, मज़ेदार। थैंक यू जी। छोटा नहीं, ओके जी, ओके थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस। अब जी सकलांग उतरा है सब्जी लाने और ये है सब्जी का दुकान। और क्या लाना है सब्जी दुकान से मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। हमने जी सब्जी यहाँ से लाई, बहुत शुक्रिया सर। ओके। अभी हमने खाया कुछ ये ज़बरदस्त, अभी इसको हम फेंकते हैं पहले डस्टबिन में। चलो जी सकी, चलो बिस्मिल्लाह। अभी जी टाइम आ रहा है, हमें एक डेढ़ घंटा बाहर हो गया और अभी हम जा रहे हैं वापस। और हमेशा ट्राई करें कि कूड़ा डस्टबिन में ही फेंके। अगर कोई जगह आपको गाड़ी में से दिखती है कि वहाँ बहुत सारा कूड़ा है तो वहीं डालूंगा क्योंकि वहाँ बहुत है, तो ऐसा भी मत कीजिएगा। हमेशा जहाँ पर डस्टबिन होगा थोड़ी सी ब्रेक 2 मिनट के लिए देनी है और कूड़ा फेंकना है और वापस चढ़ना है, बस इतना ही काम है और इससे हमारा कश्मीर साफ रहेगा और कुछ नहीं। फाइनली हम पहुँच गए, मैं थक गया बहुत ज़्यादा। अये अल्लाह, जी पहुंच गए हम और अभी हम करेंगे तैयारी और आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है इसमें, क्या बोलते हैं, व्लॉग में, क्योंकि ये फूड व्लॉग बनने वाला है और मुझे बहुत भूख लग रही है क्योंकि हम चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा बनाने वाले, तो बहुत एक्साइटेड हूँ उस चीज़ के लिए। और हमारे सकलांग साहब अब सीधा किचन में, ठीक है? तो चल, अभी जी टाइम आ रहा है 6:28, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पिज़्ज़ा बनाना और विथ शेख सकलांग, शेफ शेख सकलांग, और बड़ा मज़ा आने वाला है, बड़े सिनेमैटिक शॉट्स आपको देखने को मिलेंगे और भी बहुत कुछ, और भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और हमारे साथ छोटा मोटा छोटा पैकेट बड़ा धमाका आयान, तो अभी हम बनाएंगे अच्छे से पिज़्ज़ा और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कि क्या प्रोसेस रहता है, ठीक है? और सकलांग से भी आराम से अच्छे से पूछेंगे कि क्या करना है स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि आपको भी समझ आए और आप भी फिर घर पे चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा बनाएं। तो चले हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुगर का 1 स्पून लेंगे हम इसमें कटोरी में। अब इसमें हमने गर्म पानी थोड़ा सा डाला, ओके, और ये शुगर उसी में डिज़ोल्व करेंगे अच्छे से पूरी तरफ। बता
ये हम इसमें यीस्ट डालेंगे 1 चम्मच, जिससे जो ब्रेड है फूल जाएगी। ओके, इससे टेस्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट आती है? इससे हाँ, ब्रेड में टेस्ट में इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। कितने इसमें कितने स्पून डाले थे? 1 स्पून बस। करना है? नहीं, मिक्स भी कर सकते हैं, मिक्स के बगैर भी ऐसे ही रख, मैं रखता हूँ ऐसे ही। अब रखना है ये ऐसे ही लगभग 5 मिनट 6 मिनट के लिए। अब हमें 5 मिनट वेट करना है, क्योंकि जब तक ये एक्टिवेट हो जाएगा, और तब तक क्या करेंगे हम, तब तक ये सकलन क्या करना है, आटा। तब तक हम आटे को ये करते हैं, मैदा डालेंगे हम इसमें। ओके, इसमें मैदा अगर आप देख पा रहे होंगे। ओके, 2 कटोरियां भर के हमने मैदा डाल दिया। अब क्या ऐड कर रहा है सकलन दो इसमें? इसमें मिल्क पाउडर करेंगे 1 स्पून ऐड, नमक करेंगे 1/2 टीस्पून ऐड, ऑयल थोड़ा सा डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे पहले सबको। हमारा जो यीस्ट है वो एक्टिवेट हुआ है, हम वो डालेंगे सारा इसी में। ये कैसे पता चलता है एक्टिवेट हो गया? ये हो गया ना, देखो। तो हमारा आटा ये रेडी हो गया, को कुछ टाइम तक पूरा एयर टाइट रखेंगे, फिर गर्मी में थोड़ा रखना है जब तक ये डबल साइज हो जाएगा। अभी जो हमारा बस 10% काम हो गया, तो अभी हमारा सिर्फ 10% काम हो गया, काम चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है पिज्जा बनाने में। आई एम सो एक्साइटेड खाने के लिए। और ये सब्जी हम भी उसमें जल्दी डाली, आलू डालेंगे सब डाल। तो अब क्रीम बनाएंगे, जो पिज्जा के अंदर से हम स्टफ भरेंगे वो दिखाएंगे कैसे बनाना है। क्रीम बनाना मगर बहुत कम लोगों को आता है वो। पहले बटर डालते हैं 1 टीस्पून। कितना बटर डालना होता है? लगभग 2 टीस्पून बड़े वाले, लो पे रखना है। हमें बटर को पूरा पिघलाना है, मैदा का 1 चम्मच। ठीक है, पहले पिज्जा बनाना सीख रहे, पहले क्रीम बनाना सीख रहे। ओ सॉरी, क्रीम बनाना सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है क्रीम बनाना। दिखा 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 आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो बटर ऐसा हो गया लगभग, मैदा के साथ देखना ही बन गया। अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता दूध डालना है, आहिस्ता आहिस्ता दूध डालना है, देखिए क्रीम बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने ये मैदा मक्खन और दूध आहिस्ता आहिस्ता डालना है, इसको क्रीम बन जाएगा। आहिस्ता स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है, क्रीम बन रहा है। सच बोलूँगा, एक क्रीम बनाते मुझे पानी, मैं देखूँ थोड़ा सा टेस्ट, अभी नहीं टेस्ट है, थोड़ा सा है ना, ऐसे टेस्ट क्यों होगा इसमें। आप ओनियन के ऊपर तेज पत्ता ऐसे लगाया, इससे क्या होगा, इससे मसाला थोड़ा इसमें मिलेगा। वैसे कील लगाया, कील नहीं, अच्छा ये वो है लॉन्ग, शायद वो क्या नाम है ना, पाई है क्या इसको बोलते हैं, तो कमेंट्स में जरूर बोलिएगा कि इसको क्या बोलते हैं। अच्छे क्वेश्चन पर, रॉन्ग द पान है ना, रॉन्ग क्वेश्चन वर्ड को रॉन्ग, उर्दू पर क्या को लॉन्ग कहते हैं, लॉन्ग शायद, बस मुझे नाम नहीं याद रहते। डाला, ओके, देखो कितना मोटा हो गया क्रीम, थोड़ा सा ब्लैक पेपर मुझे। हाँ जी, पूरा मैं भी शेफ बन गया आज, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे भी ये काम करने में। सकलन ने जिम्मेदारी रखी इसको मिक्स करने की, और मैं यहाँ से व्लॉग बनाऊंगा, और ये सारा ये जलना नहीं चाहिए, आराम से ये जल भी सकता है अगर नीचे से। जबरदस्त इसमें थोड़ा सा ना ये चीज अब डालेंगे, चीज स्प्रेड। वाह क्या बात है, जरूर से वेट चीज होती है। और जी, शेफ मुरीन जहमीरी इसको मिक्स कर रहे हैं। हो गए 10-15 मिनट इसके साथ, 10-15 मिनट नहीं 5 मिनट हो गए। सॉरी गाइस आई अपोलोजाइज, जो थोड़ा सा टाइम का मुझे पता नहीं चलता है, वक्त कैसे निकलता है, तो लाइफ में मेहनत करो, वक्त बहुत तेज है। और ये जलने वाला है, कितने मिनट हो गए एग्जैक्टली? लगभग 4 मिनट, 4-5 मिनट हो गए। और हमारी जो क्रीम है वो कुछ ऐसी लग रही है, बहुत खूबसूरत, बहुत टेस्टी क्रीम बनेगी है ना सतलन, ऑलमोस्ट बन गई। मैं देखूंगा इस वीडियो में आता है ना, तेरे को लेफ्ट हैंड, ये मेरा राइट हैंड है क्योंकि लेफ्ट आएगा उसमें। और दे
थोड़ा सा दे नमक बराबर है वो, तू दे मेरे को समझ नहीं आ रहा। रुक जा, अभी नहीं बोला, बता। बस हमारी क्रीम रेडी है, हमारी जी क्रीम रेडी है, इसको क्या करना है, ठंडा करना है, बस रखना है साइड पे, रखने का वेट करना है और उसको साइड पे रखना है। उसके बाद अब हमें वेजिटेबल्स कट करना है, तो अब हाँ बहुत मुश्किल हो रहा है बट बहुत मज़ा आ रहा है। और ये व्लॉग को लाइक ज़रूरी कीजिएगा क्योंकि मुझे भी बहुत मज़ा हो रहा है, मज़ा आ रहा है और आप लोगों को भी तो आ रहा ही होगा, तो फिलहाल लाइक करके रखो। पहले सकलैन हमें दिखाएगा कि कैसे काटना है, उसके बाद मैं खुद काटूंगा। हाँ मुझे आया समझ, लंबा लंबा। हाँ जी, मैं काट रहा हूँ कैप्सिकम, जिसको हम बोलते हैं शिमला मिर्च। ओह, आपने देखा मेरा हाथ कट गया, ये देखो हाथ पूरा कट गया, क्या करे, हाथ कटना ही था। अच्छे कामों में कुछ खराब कामें भी होती है। तो अभी हम क्या ऐड कर रहे हैं सकलैन में, चिकन। ओके, छोटा छोटा कर दिया, कि जिसको डालना होगा वो डालेगा, जिसको नहीं डालना होगा नहीं, कोई नहीं। हाउ इज द जोश? गुड। हां गुड गुड, कैसा जोश है? अच्छा पिज्जा नहीं खाने वाला? जरूरी। क्या पिज्जा? अभी मैं कर रहा हूं चिकन को फ्राई। पीछे से, पीछे जा, पीछे जा। अभी हमारे साथ, पीछे ऐसे रहना, मेरे को दिखा। अभी हमारे साथ है कैमरामैन आयान और अभी हम कर रहे हैं चिकन को फ्राई। कितने टाइम सकले हैं फ्राई करना है चिकन को? 5 से 6 मिनट। ओके, 5 से 6 मिनट हम करते हैं, मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। अभी हम इसमें डाल रहे हैं प्याज, प्याज जैसा आपको पता ही होगा। हेलो जी, क्या बोलूँ, सब्जी ये जी जा रहा है इसमें हम नमक। आटा रखा था उसमें हमने यीस्ट डाला था जिसकी वजह से वो पूरा फूल गया, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा हो गया। ओ भाई साहब, इसको हमने फिर से भूना, अब एक घंटे तक रखा था ना, अब वो रखेंगे 15 मिनट। ओके, अभी जाएंगे इसमें ये मसाले, थोड़ा थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं। तो अभी जी जा रहे हैं मसाले, तो आप देख सकते हैं इसमें तेल निकल गया और दैट मीन्स अगर फ्राइड हो गया, अच्छे से पूरा अच्छे से फ्राई हो गया। हम चिकन को टेस्ट कर सकते हैं सर की? नहीं अभी नहीं, थोड़ा सा। वाह, टॉपिंग हमारी तैयार हो गई, अभी ठंडा करते हैं। हमारी टॉपिंग तैयार हो गई और अब हम ये ठंडा रखेंगे करने को, उसके बाद मिलते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आफ्टर कितना, 1-2 घंटे के बाद हमारे यीस्ट में, हमने जो आटे में मिलाया था मैदे में, उसको क्या हुआ है। क्या होता है 1-2 घंटे? कि हम लाइव भी है जैसा कि आप चेकआउट कर सकते हैं। हाँ हाँ मुझे पता है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, अभी हम लाइव भी है इधर से, और लाइव किससे हमें रखा है रुका के वो देख सकते हैं, ठीक है। और ये मेरे प्यारे प्यारे लोग यहाँ पे कमेंट्स कर रहे हैं, सब प्यारे लोग जितने भी यहाँ कमेंट्स कर रहे हैं वो आप लोग चेकआउट करें। ये जी प्यारे प्यारे लोग, तो थैंक यू सो मच सबका लाइव ज्वाइन करने के लिए और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए, उस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम रात अशेष दरबदर गमित पिज़्ज़ा बनावा, वारिया मुश्किल से मगर मस्त है। वारे एवान बता, ये आटा है ना? हाँ, इससे बनाया ये बेस, इसका एक निकाला, ये बेस है हाँ एक, और ये निकाला, एक रोटी छोटी सी बनाई, मगर ये पूरी पकनी नहीं है इस पे। इसको क्या करना है सकले? इसको गरम है ना, तवे पे डालना है मगर सिर्फ कुछ सेकंड के लिए बस। सकले एक बात बोल तुझे, तो किस्मत वाली बीवी मिलेगी? नहीं सॉरी, बीवी जो होगी सकलैन की वो किस्मत वाली होगी, सच में सीरियसली, गोल रोटी। क्योंकि नहीं, सच में सकलैन पूरी गोल रोटी बनाता है, लोचा कुछ। तो
जो भी सकलैन की बीवी होगी इंशाल्लाह व्लॉग क्या बनेगा उस दिन मज़ेदार वाला, जो भी सकलैन की बीवी होगी किस्मत वाली लड़की होगी कि इसको मतलब सब कुछ काम आता है करना, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाता है, फुल अल्टीमेट शेफ है हमारा ये, ठीक है। तो अभी हमारा पैन रेडी हो रहा है, ये रोटी बनानी है मगर बहुत कम बनानी है। ये रही हमारी बेस। ओके ये बेस होगी तैयार, ठीक है। तवा पे डालेंगे, पकाएंगे थोड़ा सा नीचे से, थोड़ा जगह पकड़ लीजिए। हम जो बेस तैयार कर रहे थे वो पक गई है, ये देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है इसको, अब डालना है इस पे। ओके और अब हम ये इसमें डालेंगे, नीचे से डालना है। तेल डाल लिया, इस पे अब डालेंगे हम सब कुछ इसके ऊपर। इसमें ये ज़रूरी छेद करने पड़ते ताकि इसमें पूरा अंदर तक जाए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, ब्रेड नहीं फूलेगी। ओके वरना ब्रेड जो है वो फूल नहीं पाएगी। चीज़ बस्ट क्रीम चाहिए इधर, और जितनी ये ज़्यादा डालेंगे उतना टेस्ट हो जाएगा। अच्छा ज़्यादा भी नहीं डालना है वरना ये बाहर आ जाएगा सारा, ठीक है। नहीं खा रहा इधर दे, ये जो ऊपर से ये डाल ये नहीं डालना था ना, पता क्रीम हो गया ना। अब इसके ऊपर जो हमने रोटी बनाई थी थोड़ी सी, अभी रोटी लगी ना इसके ऊपर से भी हम फॉक से ऐसे करेंगे। ओके थोड़ा आटा, ये आटा भी माला क्योंकि ये चीज बाहर नहीं निकलेगी। पिज्जा सॉस है अभी जाने वाला है जी, इसमें पिज्जा सॉस के साथ टेस्ट होता है इसको कुछ खाने को दे दो। तो तब से मैं सकलैन को बोल रहा हूँ हर चीज पे इसको कैसा टेस्ट होता है, इसको कैसा टेस्ट होता है। यार थोड़ा सा सकलैन थोड़ा सा क्लोज जरा। हाँ ठीक है चले। अभी हम टॉपिंग्स डाल रहे हैं और पहला सवाल सकलैन के लिए ये है कि सकलैन तूने टॉपिंग्स पका के डाल रहा है क्यों? क्योंकि वैसे कच्चा रहता है, वैसे मज़ा नहीं आता। तो वैसे कच्चा रह जाता है तो टॉपिंग्स पका के डालने में और ज़्यादा मज़ा है। अब आपको मैं करीब से दिखाता हूँ। चिकन डाला इसमें हमने, ये जी रह गई हमारा टेस्टी, इसमें स्मेल भी बहुत खूबसूरत आ रही है, इसलिए पका के ज़्यादा मज़ा आता है। पका के इसलिए ज़्यादा मज़ा आता है और स्मेल भी बड़ी खूबसूरत आ रही है। तो मुझे बहुत पानी आ रहा है और आप लोग एंजॉय कीजिए वीडियो और आप लोग भी घर पे बनाइए, बट डोंट ट्रबल योर मदर कि मेरे को वो करना किचन ख़राब करोगे सारा। तो खुद ही सफाई भी करना, हम बर्तन भी खुद ही धो रहे हैं, तो वो ध्यान में रखना वो चीज़। और मगर ज़रूर बनाना पिज़्ज़ा और मुझे फिर टैग कर लेना इंस्टाग्राम पर अगर पिज़्ज़ा बनाओगे। चिकन दे थोड़ा चिकन दे थोड़ा थोड़ा सा इधर रख थोड़ा, मुझे ना ये मुझे देता ही नहीं कुछ। तू हाथ में रख, मैं बोलूंगा ना तुझे नमक नून को टच, अगर यह नून सो रहा है पता है। वाह क्या बात है, अमेजिंग। डालेंगे हम लगभग 10 मिनट के लिए इसके अंदर, ओवन के अंदर 50 डिग्री पे, 250 डिग्री। अभी हमने चीज नहीं डाला क्योंकि वो जल जाता है। ओके ओके पहले पकना चाहिए फिर उसके बाद चीज डालेंगे, ठीक है। पहले इसको पकाते और उसके बाद में चीज डालेंगे। हाँ वो तो इंतजार है आपका, इंतजार है, आ जाओ जल्दी यार। सारा पिज्जा का डन कर लिया और वो पिज्जा जो हमने खोलू मैं इसमें रखा है, ये जी है पिज्जा। और उसके साथ साथ आपको बताता चलूं कि अभी ये पिज्जा निकालेंगे हम, इसके बाद हम इस पे ये वाला डालेंगे अमूल चीज, ये वाला मोज़ेरेला, जिसको कुछ मोज़ेरेला चीज डालेंगे उसके बाद। पहले थोड़ा पकने दो और
आप लोगों को अगर ये वीडियो बहुत पसंद आता है तो बहुत पसंद आएगा, मैं श्योर हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आएगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अभी करके जाओ। और अगर आप चाहते हैं कि 20K की फैमिली हमारे चैनल पे कंप्लीट हो तो जरूरी जरूरी सब्सक्राइब कीजिएगा। लव यू ऑल और बहुत बहुत शुक्रिया फिर एक बार 10,000 सब्सक्राइबर्स के लिए। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव गाइज। अब हमारा पिज्जा बहुत टाइम बाद तैयार हुआ है, तैयार भी नहीं हुआ है सकलैन, अभी बस थोड़ा पक गया होगा, अच्छा खासा पक गया। अब इस पर हम वो अमूल वाली चीज़ डालेंगे और वो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चीज़ देते हैं पहले सकलैन को। ये ले ब्रो, रखो। ये हो गया सकलैन का चीज़ और पिज्जा। हाँ नहीं नहीं यहीं पे डाल, ना ना गर्म है वो। और अभी जी जा रहा है। ओह ओह गर्मी क्या आ रही है, ओह क्या बात है यार, क्या वाह। अभी जी जा रहा है इसमें चीज़। आह हाँ हाँ बहुत टेस्टी लग रहा है भाई। कितना भाई, अच्छा खासा सीमा लगा। फ्रंट कैमरा से दिखाता हूँ, कैमरा दे तू दूस। बस बस सके बस, ये जो पिघल ही नहीं रहा। ग्लव्स लगाना था सकला। गाइस हमारा पिज्जा रेडी हो गया है और अभी सकलैन साहब हमारे पिज्जा निकाल रहे हैं। उफ हाय गर्मी, फुल ऑफ चीज। तेरे पास है वो सॉस वगैरह ऊपर से जो डालते हैं? नहीं है, वो तो होना चाहिए। बिस्मिल्लाह। ये जी बन गया हमारा पिज्जा। ओए होए क्या बात है। ओ ओ ओ इसकी जो बेस है पूरी क्रंची क्रंची है, इसकी जो बेस है पूरी क्रंची क्रंची है। वाह क्या कर रहे, मजा ऐसे ही फजूल में बोलो। चलो ओह ओह वाह ओह 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 क्या बात है यार, क्या बात है, मजेदार। तो पिज्जा हमारा रेडी हो गया, बस को खाने की देरी है। इसमें इतना चीज़ है कि ये उठ ही नहीं रहा है अब। तो जी पिज़्ज़ा तो बनाया, अब इसको टेस्ट करने की बारी है। आय हाय बिस्मिल्लाह। मतलब ऐसा पिज़्ज़ा आपको डोमिनोज में भी नहीं मिलेगा जैसा सकरान बनाता है, क्रिस्पी विद फुल चीज। तो गाइज आपको पता है हमने एक पिज्जा खाया ना तो हमें पेट नहीं फुल हो गया, तो अभी हमने डिसाइड किया रात की 1 बजे अब हम और एक छोटा पिज्जा बनाएंगे, दिखाता हूँ। तो जनाब ये रहा और एक छोटा सा पिज्जा। हमारा पेट जो है वो फुल होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो करें क्या, तो इसलिए हमें खाना पड़ रहा है और एक पिज़्ज़ा छोटा मोटा जिसमें हम चीज़ बहुत सी डालेंगे, मज़ा आएगा। तो फिलहाल ये जब पिज़्ज़ा खाएंगे और उसके बाद ये ब्लॉग एंड करेंगे। ये जी निकला हमारा छोटा पिज़्ज़ा और ये पिज़्ज़ा खा के हम ब्लॉग आज का एंड करेंगे। आ जाओ ब्लॉग सर। हम कितनी बार यहाँ पे बैठे और पिज़्ज़ा खाए। जी लेटेस्ट आजकल ऐसे ही पिज़्ज़ा काटते हैं, वरना वो गोल होता है उसको ऐसे भी करते हैं, बट आजकल नया लेटेस्ट तरीका है पिज़्ज़ा काटने का। ओह ओह परफेक्ट काट। ओह ओह ये छोटा पिज़्ज़ा ट्राई करने वाले और रात की बज रही है 2:01 पता नहीं 2 और हम ये पिज़्ज़ा खा रहे हैं। सुबह हमारी पेट फुल ही नहीं हो रही है, ये गर्म है बहुत। तो
पिज़्ज़ा जो बना था बहुत ज़बरदस्त बना था, और अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया और पिज़्ज़ा आपने सीखा बनाना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमारी फैमिली को 20K तक पहुँचाना है तो उस चीज़ में आप लोग मेरी हेल्प करेंगे। मैं खाता हूँ पिज़्ज़ा और ये वीडियो जो है यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। पिज़्ज़ा दिखा, बाय बाय, हम पिज़्ज़ा खाते हैं।